अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं हॉट 9 न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, जैसे ही सूरज का थोड़ा सा पारा हाई हुआ, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की, तो फैसलाबाद के शहरी भी घरों से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने रोज़ा को ठंडा करने के लिए जो है वो नहरों का रुख कर लिया। यहाँ पर जो है वो ठंडे पानी में डुबकियाँ लगा कर मौसम को जो है वो उसकी तलखी को दूर किया जा रहा है। छोटे बड़े सभी जो है वो यहाँ नहर पर मौजूद हैं और खूब इंजॉय किया जा रहा है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सुबह से काफ़ी गर्मी थी, जो है वो घरों में कैद थे क्योंकि आज जुमे का रोज़ है, तो ऊपर से छुट्टी भी है, तो शहरियों ने जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर नहरों पर आन पहुँचे हैं। अगर बात की जाए बड़ों की, तो बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी नहरों में नहा रहे हैं। मेरे पास साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस गर्मी के मौसम में नहर पर आकर किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आज रोज़ा रखा हुआ है, इतनी गर्मी है तो इसलिए नहर पर आए हैं? जी, हम इसलिए नहर पर नहाने आए हैं, रोज़ा ठंडा हो जाए। तो रोज़ाना आते हैं या आज छुट्टी थी? नहीं नहीं, आज ज़्यादातर छुट्टी के और तौर पे आते हैं, अगर ज़्यादा रोज़ा लगे तो तब आते हैं। चलें, एक ज़रा डुबकी लगा के हमें दिखा दें, इसी तरह ही लगा दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अदनान। तो आप यहाँ पर आए हैं, क्या नहर की इतनी ज़्यादा गहराई है तो डर नहीं लगता नहाते हुए? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से हम नहा लेते हैं इधर। कुछ लोग ये है कि रस्सा पकड़ के नहा लेते हैं, तो कुछ वैसे नहा लेते हैं जिनको जिस तरह सूट करता है। ठीक है। अच्छा, तो कब से आ रहे हैं फिर? ये सिर्फ रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर आते हैं क्योंकि रोज़ा भी होता है, तो गर्मी की शिद्दत भी आपको पता है, तो इसी शिद्दत को ख़त्म करने के लिए हम नहरों की तरफ रुख करते हैं। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने वो स्विमिंग पूल पर पाबंदी लगाई हुई है ये कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए नहर खुला माहौल है, इधर हम सब शहरी इकट्ठे होकर नहाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी को दूर करने के लिए यहाँ पर नहरों का रुख कर लिया है। चूँकि आप मेरा भी हाल देख सकते हैं कि पसीना आ चुका है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरा अपना भी दिल कर रहा है कि मैं भी इनके साथ जो है वो इंजॉय करें, अपना रोज़ा जो है मैं भी ठंडा करूं। मेरे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, वो भी नहर में काफ़ी देर से नहा रहा है, उससे भी बात करेंगे। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रमजान। तो नहर में नहा रहे हो, इतनी ज़्यादा गहराई है, डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो भी नहर में नहा रहे और खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में अप्रैल के वस्त में ही जो है वो गर्मी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो शहरी भी इसको दूर करने के लिए नहरों का रुख करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फैसलाबाद में लोड शेडिंग चौके जो है वो अभी 2-3 दिन से जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से फैसलाबाद के शहरी जो है वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और यहाँ पर आकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जी,